तो इट्स ऑफिशियल गाइस, गदर टू बीट्स पठान। भाई पहला बार तो मेरे को ये समझ नहीं आता, ये फिल्में कमाएंगी ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस, ये फिल्में मतलब ये फिल्मों को साउथ की तरफ से भी ये फिल्में कमाने का पोटेंशियल रखेगी, मेहनत करके साउथ के लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म कलेक्शंस करेगी एंड ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस कुछ नंबर बनाएगी। बट पता नहीं इनको क्या अभी नया रमानी कीड़ा चढ़ा है, मेरे को नहीं पता इनको क्या है कि साउथ कलेक्शंस अलग दिखाना है, हिंदी कलेक्शंस, ये सारा कुछ जो अभी ये कर रहा है ना, साउथ अलग, हिंदी नेट कलेक्शंस अलग, ये सब कुछ भी SRK की वजह से हुआ है कि इतना पोटेंशियल कर दिया कि अभी साउथ कलेक्शंस को अलग काउंट करना चालू कर दो, हिंदी कलेक्शंस को जोर देना चालू कर दो। तो भाई पहला बात, बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म इंडिया के अंदर कितना कमाती है, दैट्स द थिंग, दैट्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म, हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म। तो और पहली बात भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर फिगर्स से पहले बॉक्स ऑफिस से इंडिया का फिगर्स आया। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, 300 शोज इंडिया के अंदर, 300 शोज एंड स्क्रीन्स में चल रही फिल्म को अगर 10% की ऑक्यूपेंसी मिलती है तो भी वो फिल्म 60 लाख रुपीज़ कमाती है। पता नहीं ये कैलकुलेशंस तो कसम मालिक की, ये कैलकुलेशंस लॉग 10 वाला कैलकुलेटर में भी ये वाला कैलकुलेशंस नहीं रहता है। तो पता नहीं जो भी है, ठीक है कलेक्शंस, ये हिस्ट्री की पहली फिल्म होगी जो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनेगी। हिस्ट्री की पहली फिल्म होगी जो कि सिर्फ एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते के लिए, मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनेगी, क्योंकि जो दूसरा आ रहा है वो अवलना हो गया, खत्म हो गया। और वैसे भी ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस में पठान 550 करोड़ क्रॉस है, 550 करोड़ है, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म इज ऑफिशियली स्टिल पठान, नंबर वन फिल्म स्टिल पठान, क्योंकि उसके हिंदी के कलेक्शंस 525 करोड़ प्लस ये सारे क्या नाम है इसका अदर लैंग्वेजेस के कलेक्शन सब मिलाकर उसका टोटल 545 to 550 करोड़ रुपीस है। तो पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या कैलकुलेशंस चल रहा है वहाँ पर, क्या बेसिस पे हाईएस्ट ग्रॉसिंग नेट, अरे सामने हिंदी भी लगाओ, नेट घर पे खुद का नेट चलता नहीं लेकिन सामने तीन नेट लगा दो, तो क्या बेसिस पे मेरे को नहीं पता, क्योंकि स्टिल हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एज अ बॉलीवुड एज अ फिल्म, मतलब जो हिंदी सिनेमा से कोई फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा कमाने वाली, वो तो स्टिल पठान है ना, वो तो 550 करोड़ है इंक्लूडिंग द अदर लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे अभी, वो बाकी लैंग्वेजेस में रिलीज होकर कमाने का पोटेंशियल नहीं रखती, तो इसमें दूसरे लोगों की क्या मिस्टेक है। तो लीव दिस ऑल थिंग्स, वही है ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट ये हिस्ट्री बनाएगी ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में, इतना शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म आज तक, इतना शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कोई फिल्म नहीं बने, क्योंकि जवान आकर उस चीज़ का उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो आई डोंट नो कि मतलब क्या हो रहा है एज ऑफ नाउ, आई रियली डोंट नो कि क्योंकि मतलब उसका हाईएस्ट ग्रॉसिंग क्या है, बेसिस पे है क्या, बेसिस पे बीट किया है क्या है हिंदी नेट कलेक्शन, चलो हिंदी नेट कलेक्शन, वो कलेक्शंस मैनिपुलेशन कलेक्शन, वो सबको साइड करो यार, वो सबको साइड करो, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर हिंदी नेट कलेक्शन, हाँ ये बोल सकते हैं कि हिंदी नेट कलेक्शंस में हिंदी सिर्फ ओनली हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर में तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मतलब उसको काउंट किया जा सकता है ओनली हिंदी, बट एज अ हिंदी फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म, एज अ बॉलीवुड फिल्म ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म, दैट इज स्टिल पठान एट एनी कॉस्ट, वो उसको वो नंबर्स को रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी पठान सॉरी जवान को भी अभी एक हफ्ता लगेगा, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ चंद दिन के लिए कुछ चलो पठाना भी सेकंड नंबर पे रहेगा ऐसा, हिंदी नेट कलेक्शंस में सेकंड नंबर पे, पीछे से एक आ रहा है, उसके पीछे एक और आ रहा है, अरे अम्मा अरे बाप रे बाप, क्रिसमस वो छोड़ दो, तो उसको मैंने एनालाइज किया अभी बैठ के, एनालाइज कर रहा था मैं क्या हिसाब, क्योंकि ये सारे जो है ये हॉलीडे रिलीज नहीं है, ये सब सॉरी ये फेस्टिवल रिलीज नहीं है, ये लोग सब क्या है कि ये लोग सब एक नॉर्मल रिलीज हुए फिल्म है जहाँ पर एक 26 जनवरी एक दिन का हॉलीडे है और दूसरा है जन्माष्टमी एक दिन का पार्शल हॉलीडेज भी बोल सकते हो, बहुत जगह साउथ में तो यहाँ पर छुट्टी नहीं देते यहाँ पर, तो ये सब कुछ जो है मिलाकर ये लोग, और जो क्रिसमस में आ रहा है वो एक तो बेस्ट प्रोडक्ट है, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग एज अ कंटेंट उसके सामने उस फिल्म के सामने कुछ नहीं है, वो एज अ बेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ इनके पास एक पोटेंशियल है कि ये एक्शन फिल्म है तो ये इंडिया में ज़्यादा ओपनिंग लेने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन वो जो क्रिसमस में आ रहा है खत्म, मेरे को तो लगता 5 दिन के अंदर 500 का रिकॉर्ड बनेगा, मेरे को तो लग रहा है वो तो ऐसा कर देगा। तो और उसका सीक्वेंस, उसके दो सीक्वेंस आए हैं
अब वो लिटरली मैं इतना ओपनली खुल के बोलूँगा नहीं डंकी का, वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो।